नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जहां हाथरस सत्संग भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद कांग्रेस सांसद आज राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे और जिसके बाद पिलखना पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर राहुल गांधी ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने परिजनों का ठाटस बढ़ाया और सरकारी सुविधाओं पर अपडेट लिया, साथ ही मदद का भरोसा दिया है। और मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, लेकिन प्रशासन की कमी उजागर हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को सीएम योगी को सरकारी आवास पहुंचकर, यानी कि 5 कालिदास मार्ग पहुंचकर रिपोर्ट सौंप दी है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी की यह रिपोर्ट तैयार की गई है। 5 पेजों की इस विस्तृत रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी की टीम ने पूरे हादसे की वजह और इतनी भीड़ को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आयोजन से जुड़े लोगों और उसके अलावा सेवादारों से भी बात करके तमाम जानकारियां जुटाई हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या खास है, इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। जिस प्रकार से एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा राहुल गांधी ने जब पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो बयान सुना देती हूँ। राहुल जी आपने बड़ी बात कही है मुआवजे की। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। इस समय इनको जरूरत है, लेकिन राहुल जी मैडम जवाब देने दीजिए। इस समय इनको जरूरत है, अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक मिनट बात करने दो। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। जी भैया, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वाले से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट पूजा भाई जी, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में तो वही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पूरी तरीके से प्रशासन की कमी कर ला और इसके अलावा लापरवाही से हादसा होने का आरोप लगाया है। तो वही सबसे दिलचस्प सवाल दो उठते हैं, क्या ये हादसा रोका जा सकता था, क्या घायलों को बचाया जा सकता था? अगर इसमें पूरी तरीके से प्रशासन एक्टिव होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटित होती है। तो वही तीसरी लापरवाही की बात करते हैं, तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं थी, हॉस्पिटल पहुंचे तो ना ऑक्सीजन मिला ना डॉक्टर, इसकी वजह से कई गंभीर घायलों की जान चली गई। तो वही 80,000 लोगों की परमिशन थी, तो इतने ज्यादा लोग आखिरकार वहां पहुंच कैसे गए? तो वही इसके अलावा लोगों की लगातार तादाद बढ़ी, तो आखिरकार इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अगर इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे तो स्टेज से लोगों को जाने की अपील क्यों नहीं की गई? कमेटी के लोग भीड़ मैनेज करने में क्यों असफल रहे? कई तरह के सवाल है मेरे और इसके साथ ही लगातार प्राइम टीवी इस पूरी घटना को लेकर सवाल लगातार सरकार से दागती हुई नजर आ रही है। तो वही इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है और साथ ही इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अभी तक बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है
और उसके अलावा सिर्फ कार्रवाई के तौर पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड पर है, तो हमारे साथ अलीगढ़ से नितेश जुड़ चुके हैं, तो लखनऊ से संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल कलीम से, जिस प्रकार से कलीम आज की जो रिपोर्ट 15 पन्नों की ये रिपोर्ट वो सीएम योगी को सौंपी गई है, कितनी दिलचस्प होगी ये रिपोर्ट? आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए जो हाथरस मामले में जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में अगर बात की जाए लापरवाहियों को लेकर के, फिर चाहे डीएम एसपी से पूछताछ को लेकर के, या फिर जिस तरीके से जो एसडीएम ने परमिशन दी थी उसके साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके जो नाम है, उन सभी नामों का जिक्र किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से जो रिपोर्ट तैयार की गई है, 24 घंटे की जो पूरी रिपोर्ट स्पष्ट करके जो आगरा एडीजी और कमिश्नर की बात की जाए अलीगढ़, उन सभी को मिला करके जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो रिपोर्ट फिलहाल सरकार तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर न्याय आयोग की अगर बात की जाए, एसआईटी की बात की जाए, उसको भी अभी 2 माह का जो समय दिया गया है वो भी अभी अपनी तफ्तीश शुरू कर रही है, क्योंकि आज से उसकी जो तफ्तीश है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है और ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो सीन रिक्रिएशन की बात की जाए उसको भी करने की जो कवायद है वो भी कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। लेकिन अगर इस मामले में हमारे साथ जुड़े हैं कलीम, जिस प्रकार से राहुल गांधी आज पहुंचे थे अलीगढ़, उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन की कमी, इसको पूरे मामले में प्रशासन की पूरी तरीके से कमी उजागर होने की बात कही है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि आपने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की होगी। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगाते हुए प्रशासन से निशाना लगाता है, तो उनका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन की चूक रही है, तो इतनी बड़ी हरकत हुई है, इतनी बड़ी कमी हुई है, तो इस तरीके से लोग मारे गए हैं। लेकिन अगर जमीन स्तर पर बात करी जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं इस आतंक में कमी देखी नजर आ रही है, तो वहां के जो सेवादार थे उनकी कमी देखी नजर आ रही है, क्योंकि 80,000 लोगों की परमिशन के बाद 2.5-3 लाख लोगों की भीड़ क्यों जुटी? सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि कहीं ना कहीं सेवादारों की और कहीं ना कहीं छुपाने वाली स्थिति, बात को छुपाने वाली स्थिति निकल के आ रही है। बिल्कुल कलीम, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में सबसे बड़े 2 सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह हादसा रोका जा सकता था, क्या घायलों को बचाया जा सकता था? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए इस हादसे के दौरान जो मरने वालों को बचाने की, क्योंकि जिस तरीके से एसडीएम ने 80,000 लोगों की जो परमिशन दी थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो 2.5 लाख लोग एकाएक इकट्ठा हुए, उस चीज को भी रोका जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो पुलिस फोर्स लगाई गई थी, यानी कि अगर बात की जाए 67,000 जो पुलिसकर्मी थे अगर उनकी जो बात की जाए, लेकिन वहां पर जो भीड़ थी उन भीड़ को काबू करने की बात अगर की जाए, तो वहां पर जो सेवादारों की अगर बात की जाए, वो सेवादार पुलिस की यूनिफॉर्म का ही रूबरू पूरी तरीके से भेष लेकर के वहां पर जो एक्टिव नजर आ रहे थे, पुलिस को भी उनकी ड्यूटी से दूर कर दिया गया था। और जिस समय की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नितेश सिर्फ 40 पुलिसकर्मी खड़े सिर्फ मौजूद रहते सुरक्षा कर्मी, यानी कि एक नेता के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात किए जाते, लाखों लोगों के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले क्या नाकाफी थे? नितेश, सत्संग की बात हो रही थी तो इसका लगातार तैयारी 1 महीने पहले से चल रही थी, और आपको एक और बात बता दूं, उसमें माइनस पॉइंट के 80,000 लोगों की परमिशन के बाद जो सत्संग श्रद्धालु पहुंचे हैं वो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, जहां से वो व्यवस्था गड़बड़ हो गई। अगर देखी जाए तो प्रशासन ने जो परमिशन दी थी वो 80,000 लोगों की ही दी थी, लेकिन ज्यादा लोगों के पहुंचने से और बारिश पड़ने से इस चीज का व्यवस्था भी बिगड़ गई वहां पर, इस तरीके की निकल के आ रही है कहानी। जिस प्रकार से कलीम लगातार आप बता रहे कि असुविधा पूरे मामले में लापरवाही की बेइंतहा थी, लेकिन 80,000 लोगों की परमिशन थी, इतने ज्यादा लोग आ कैसे गए, और अगर आए तो मैनेज क्यों नहीं हुआ? भूसा में वहां पर तैनात थे और जो पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए थे उनको भी उनकी ड्यूटी शिफ्ट से हटाने की जो बात सामने आ रही, वहां पर का भी मोर्चा उन सेवादारों ने पूरी तरीके से संभाला हुआ था। और अगर बात की जाए वहां पर जो श्रद्धालुओं के पहुंचने की, क्योंकि 80,000 जो श्रद्धालुओं की जो परमिशन की बात की जाए, मौके की जो जांच की बात की जाए, वो जांच में पूरी तरीके से एसडीएम की रिपोर्ट में लापरवाही रही। और इसके साथ ही अगर बात की जाए जो मौके की जो स्थिति नापी जाती है, स्थिति देखने के लिए जो स्थानीय पुलिस या चौकी इंचार्ज, यानी कि जो हल्का दरोगा बोला जाता है गांव में, उसको भेजा जाता है, वो भी वहां पर पहुंच
करके पूरी रिपोर्ट तैयार करता है, उसके बाद ही परमिशन दी जाती है। लेकिन 2.5 लाख लोग जिस तरीके से वहां पर उपस्थित हुए और उपस्थित होने के दौरान जो अराजकता फैली, वहां पर भगदड़ हुई और भगदड़ में जो लोगों की मौत हुई, और उस दौरान जो सेवादार अगर वहां पर थे, सेवादार भी अगर चाहते तो उन लोगों को बचा सकते थे, यानी कि जो घायल थे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो एम्बुलेंस भी मात्र वहां पर एक ही रोकी गई थी, यानी कि एक एम्बुलेंस वहां पर थी, और डॉक्टरों की अगर टीम की बात की जाए तो वहां पर किसी तरह की कोई भी डॉक्टरों की टीम नहीं थी। यानी जैसे कि अभी तक तथ्य खुलकर सामने आ रहे हैं कि बाबा के सेवादारों ने वीडियो बनाने से साफ तौर पर इनकार किया, तो क्या भगदड़ था, यानी कि ये हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश? देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो रिपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि आज जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें अगर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी की बात की जाए तो उस जानकारी में कई राजनीतिक दलों के जो नाम सामने दिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी उस नामों को खोला नहीं गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब हाथरस का दौरा किया था उस दौरान कई बातें कही थी। जो बात की जाए विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए ये साफ तौर से कहा था कि उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी है कि आखिर बाबा को शह कौन दे रहा है, और इस घटना को लेकर के जिस कितनी संख्या आकी जा रही है। देखिए घायलों की बात करेंगे तो अलीगढ़ में 15 घायल मौजूद थे, मेडिकल कॉलेज में 6 घायल थे जिला अस्पताल में। वही हाथरस की बात करेंगे तो हाथरस में जिला अस्पताल में 7 लोग घायल थे, सब मिलाकर 25 से ऊपर लोग घायल हुए थे और मृतकों की संख्या 121 हुई थी। जी जिस प्रकार से कलीम जो ये आज जांच एसआईटी ने सौंपी है, इनके क्या मायने हो सकते हैं, मतलब कि किस तरह से इस पूरे मामले में जांच की आज बाबा तक कब पहुंचेगी, ये लगातार हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए आरती जी, जिस तरीके से भोले बाबा की अगर बात की जाए, क्योंकि जो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां आ रही है, क्योंकि मैनपुरी का जो उनका आश्रम है या फिर उनकी कोठी की बात की जाए, वहां पर छिपे होने की जो बातें सामने आ रही है। लेकिन अगर इस मामले में दूसरी तस्वीरों की बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाही भी बरत रही, क्योंकि पुलिस का जो बयान सामने आ रहा है कि बाबा मौके से फरार है, यानी कि बात की जाए जो एक संयोजक था जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया, वो मौके से फरार है, और जो बाबा की तस्वीरों की बात की जाए उनको फरार बताया जा रहा है। लेकिन अगर इसी मामले में दूसरी तस्वीरों की बात की जाए, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं एमपी सिंह, उनको जिस तरीके से हायर किया गया, उन्होंने जो बाबा का पक्ष रखा, उसमें साफ तौर से उन्होंने ये कहा है कि बाबा फिलहाल फरार नहीं है। एसआईटी की टीम जिस तरीके से जांच कर रही है, जांच के दौरान अगर बाबा को पेश करने की जो बात कही जाएगी वो पेश होंगे और अपना बयान भी दर्ज कराएंगे। जिस प्रकार से चुनावी रैलियां आती हैं, होती हैं, अभी लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, उसमें डैमेज कंट्रोल रहता है, वही आप ये समझाने की कोशिश करिए कि कितनी पुलिस कर्मियों की आवश्यकता थी अगर इतने भारी संख्या में लोग थे, और साथ ही एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए आरती जी, जिस तरीके से व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, जब 2.5 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे, तो वहां पर सबसे पहली चीज तो जो सबसे छोटी लापरवाही रही, वहां पर जो द्वार बनाया गया वो एक छोटा द्वार बनाया गया, यानी कि जो एग्जिट रूम था वो एक था, और वहां से लोगों का जो निकलना, क्योंकि वहां पर कई द्वार बनाने चाहिए थे। इसके साथ ही जो पुलिस फोर्स की बात की जाए, वहां पर बैरिकेडिंग की बात की जाए, वो भी कई जगह पर लगनी चाहिए थी। यानी कि बात की जाए जो पुलिस कर्मियों की, केवल 47 पुलिस कर्मियों के भरोसे जो 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे, उसमें कंट्रोल करना अपने आप में पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है और एक चैलेंज भी खड़ा होता है इन सभी मामलों को लेकर, क्योंकि अगर छोटी मोटी अगर रैलियों की बात की जाए तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी उतारे जाते हैं, लेकिन यहां पर जो लापरवाही बरती गई, क्योंकि एसडीएम की जो बड़ी चूक भी रही और सेवादारों के भरोसे इस भीड़ को छोड़ दिया गया, यानी कि जो वहां पर जो सेवादार जो खड़े हुए थे वो पूरी तरीके से लापरवाहियों की अगर बात की जाए, वो पूरी तरीके से लापरवाही दिखा रहे थे, क्योंकि महिला सेवादारों की बात की जाए, वो जो पुलिस की वेशभूषा में पूरी वहां पर तैनात किए गए थे, लोगों को आभास यह था कि यहाँ पर पुलिस है, जबकि वो वहां पर सेवादार के रूप में तैनात थे। और पुलिसों की अगर बात की जाए तो पुलिस को वहां पर जहां पर ड्यूटी पॉइंट बनाए गए थे उन ड्यूटी पॉइंटों से भी हटा दिया गया था, यानी कि वहां पर का जो मोर्चा भी था वो भी सेवादार पूरी तरीके से संभालते हुए नजर आ रहे थे। तो ये सभी लापरवाही, और अगर एम्बुलेंस की बात की जाए, जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर डॉक्टरों की टीम होती है। बाबा का ढोंग लगातार खुलकर सामने आ चुका है, लोगों में अब गुस्सा है, क्या बाबा के लिए अलग दरबार बनाया गया था और जो आम जनता थी उसके लिए अलग व्यवस्था की गई थी, यानी कि रास्ते की क्या व्यवस्था थी?
हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से रास्ते की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, जो जहां से भोले बाबा को निकालने की जो बात की जाए, जहां पर उनकी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी वो रास्ता एकदम अलग किया गया था, और दूसरी तस्वीरों की बात की जाए जो एग्जिट रूम जहां से लोगों का आना जाना था वो रास्ता अलग था, क्योंकि जब लग्जरी गाड़ियां उधर से निकल रही थी, बाबा के द्वारा जो एक बयान दिया गया था उसमें ये कहा गया कि उनके चरणों की धूल के लिए लोग दौड़े थे, और उसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने नितेश जिस प्रकार से आज राहुल गांधी पहुंचे थे, क्या पीड़ित परिजनों से मुलाकात के साथ साथ क्या उन्होंने घायलों का हालचाल भी जानने पहुंचे थे राहुल गांधी? राहुल गांधी की बात करेंगे तो सुबह वो अग्रवाद के पटना गांव में पहुंचे थे, जहां पर लोगों की मृत्यु हुई थी जी, तो वहां पर सभी के परिवारजनों से मिले हैं और उन्हें सांत्वना दी है, और उनसे ये भी कहा है कि धनराशि जो करी है वो कम है, तो आपके लिए धनराशि बोली गई है केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा वो कम है, हम इसको बात करेंगे और आगे मतलब और इसकी धनराशि ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर बात करेंगे हाथरस की तो हाथरस भी गए थे जब घायल भर्ती थे चिरा अस्पताल में, वहाँ उनसे भी मिले थे पीड़ित लोगों से। भाई लगातार दर्शकों को यही क्वेश्चन है कलीम कि कब FIR दर्ज होगी, बाबा कब गिरफ्त में होंगे? FIR की बात की जाए, फिलहाल हाथरस के मामले को एक FIR तो दर्ज की गई है जिसमें एक नामजद करते हुए सभी को अज्ञात किया गया है, और उसमें बाबा का जिक्र की अगर बात की जाए उनका जिक्र भी नहीं किया गया। फिलहाल जिस जो पीड़ित परिजनों की बाइट आई है पहले मैं उसको सुनाती हूँ, जहाँ लगातार इस मामले में अब गुस्सा में पूरा मामला अब गुस्से में तब्दील हो चुका है, लोगों की एक ही मांग है कि हमें न्याय चाहिए। मंजू देवी नाम था, भतीजे का पंकज कुमार। कितनी उम्र थी आपकी भाभी की और भतीजे की? भाभी की 35-34 समथिंग थी, ये मतलब भतीजा मेरा 6ठी साल में चल रहा था, अकेला बेटा था चार बेटियों के बाद में। तो बाबा को कब से मानते थे? 5-6 साल हो गए, जब सब मिलता था तभी चले जाते थे। पूरी घटना जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो किसको जिम्मेदार मानती है आप? क्या सबसे बड़ा वहाँ प्रशासन भी नहीं था, अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता वहाँ, और बाबा जब उनके भक्त जब वो वहाँ मरे तो उनने भी नहीं देखा, मेरे भक्त मेरी वजह से मर गए, उनने कुछ नहीं देखा। वो समझा रहे थे राहुल गांधी से आए थे कि समझा रहे थे कि अपनी मैं सरकार के द्वारा पूरी मदद करूँगा, जो भी है फैमिली को समझा रहे थे। अब चार बेटियाँ वो कैसे पालेंगे बताओ, बेटा एक भी नहीं है। नहीं पूछताछ कर रहे थे कि वो 2 लाख रुपए, 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे पैसे का, जब मेरी फैमिली बेकार हो गई। तो वही लगातार हम पीड़ित परिजनों का दर्द सुन रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने प्रशासन की नाकामी खुलकर उजागर होती हुई नजर आ रही, और एक बार फिर से मैं कलीम का रुख करूंगी। कलीम जिस प्रकार से मार्मिक दृश्य देखने को मिल रहा है, लगातार पीड़ित परिजन की बस एक ही मांग है कि अब इस पूरे मामले में अब हमें न्याय चाहिए। कलीम जिस प्रकार से 15 दिन तक सत्संग की तैयारी की गई, 500 बसें पहुंच गई, लेकिन प्रशासन बेखबर नजर आया। आरती जी जिस तरीके से बात की जाए, वहां पर सत्संग की जो तैयारी की जा रही थी, सत्संग की तैयारी से पहले वहां के जो इंतजामों की बात की जाए तो इंतजाम जो किए जा रहे थे, इंतजामों के बीच अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहली जिम्मेदारी जो बैठती है वो स्थानीय पुलिस की, यानी कि जो पास का जो थाना होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है वहां की पूरी रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि अगर जो रिपोर्ट की बात की जाए एक जो SDM की तरफ से रिपोर्ट मिली थी परमिशन की, वो परमिशन की एक रिपोर्ट स्थानीय थाने दी जाती है, वहां से फोर्स मुहैया कराई जाती है। लेकिन वहां पर जो लापरवाही रही, जो इंतजाम वहां की बात की जाए या फिर कप्तान की अगर बात की जाए, कप्तान तक जो एक रिपोर्ट जानी थी वो रिपोर्ट आखिर पहुंची या नहीं पहुंची, उस मामले पर भी किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जब घटना हो गई, कलीम बाबा आराम से अपने आश्रम में आराम फरमा रहे हैं, एक तरफ लोगों में आक्रोश है, लेकिन किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, अभी तक बाबा तक जांच की आंच नहीं पहुंच पाई। देखिए फिलहाल इस मामले में वही कहावत कही गई कि लाली पॉप दीजिए हम आराम करेंगे, यानी कि लाली पॉप हम चूसते रहेंगे और केवल कार्रवाई का इंतजार करते रहेंगे। पुलिस पर भी ये कहावत एकदम ठीक बैठती है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बाबा के बयान सामने आ रहे हैं, उनके पक्ष के जो वकील हैं वो बयान दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको फरार बता रही है। फरार बताने के साथ साथ उनके बयानों को दर्ज करने की बात की जाए तो उनके बयान भी अभी तक दर्ज नहीं किए गए। अपने भक्ति प्रवचन सुनाने के लिए लाखों की में लोगों को बुला तो लिया जाता है, लेकिन इतनी लोगों की भारी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है,
प्रवचन के नाम पर जीरो और ऊपर से एक शब्द भी नहीं बोलते हुए नजर आए बाबा। देखिए फिलहाल जिस तरीके से घटना हुई, घटना में जो 123 लोगों की मौत हो गई, तो मौत के बाद अब अपने आप को बचाने को लेकर के बाबा ने जिस तरीके से एक बयान जारी किया था, उस बयान में ये कहा था कि ये जो घटना है ये घटना पूरी सोची समझी साजिश के तहत की गई। यानी कि जैसे ही वो उस सत्संग के बाद बाहर निकले, अपनी लग्जरी गाड़ियों में बैठे और वो अपने आवास के लिए रवाना हो गए, उस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने इस तरह की घटना में भगदड़ मचाया और लोगों को रौंदते हुए वहां से निकल गए। यानी कि ये यूं कहा जाए कि अपनी लापरवाही पर पूरी तरीके से पर्दा डालना। और पर्दा डालने की बात अगर की जाए तो उस दौरान अभी तक बाबा ने किसी भी जो पीड़ित पक्ष की बात की जाए, जिनके घर में मातम का माहौल छाया हुआ है, एक मातम छाया हुआ, उस दौरान किसी से भी मिलने की उन्होंने जुर्रत नहीं उठाई। एक तरह से यूं कहा जाए जब अपना सत्संग के दौरान वहां पर लोग पहुंचे थे, लोगों की भीड़ पहुंची थी, उनके बीच लोग आए थे, लेकिन उसके बाद घटना के बाद से अभी तक किसी से भी उन्होंने मुलाकात करना उचित नहीं समझा। फिलहाल पुलिस पे अब पूरे मामले की जांच हो रही है। पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइजर ने प्रशासन से किससे अनुमति मांगी, भगदड़ है या फिर हादसा या फिर इसके अलावा उन वजहों की तलाश की जा रही है जिनकी वजह से भगदड़ की स्थिति बनी। देखिए आरती जी, जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए जो परमिशन को लेकर के, परमिशन तो फिलहाल इस मामले में एसडीएम ने दी है और इस मामले की जो पुष्टि है वो हाथरस के जो डीएम है उन्होंने पूरी तरीके से की है कि जो एसडीएम है उन्होंने इस मामले में परमिशन दी थी। और अगर दूसरी बात की जाए जो इस घटना के संयोजक रहे वो उसमें तो लापरवाही साफ तौर से देखी गई और उन्हीं के कारण ये सत्संग जो है मौत का सत्संग बन गया। जुड़ चुके हैं करीम, आपको रोकना चाहूंगी। जिस प्रकार से पूरा मामला हाथरस में हुआ, 15 दिन सत्संग की तैयारियां चली नंद और 500 बसें पहुंच गए, प्रशासन बेखबर नजर आया। नंद जी, हाथरस हादसे की जो है अपडेट लगातार दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ, आपका 123 लोगों की, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की लगभग 4 दिन पहले से ही तैयारी चल रही थी और तैयारी के बावजूद जो है इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से हुआ। होने के बाद जो है बाबा वहां पर पहुंचे और बाबा ने जैसे ही अपना प्रवचन दिया और प्रवचन के बाद से ही तुरंत जो है भगदड़ मच गई। जैसे ही उनकी चरणों की धूल लेने के लिए अनुयायी जो उनके थे वो मौके पर पहुंचे तो एकदम भगदड़ मच गई और भगदड़ में लोगों की दबने की वजह से, दम घुटने की वजह से 123 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 74 जो है लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। साथ ही 31 लोगों की जो है पसलियां टूट कर फेंकड़ों गिर गई, उसकी वजह से मौत हुई है। 15 लोगों की गर्दन टूटने और नाक में मिट्टी भरने की वजह से, कान में मिट्टी भरने की वजह से मौत हुई। सत्संग में पुलिस की नाकाफी, इसके अलावा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नाकाफी, इसके अलावा लगातार कई तरह की व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग से भी सामने आई, लेकिन गाज किसी पर नहीं गिरी। अभी सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। नंद जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद लगातार जांच की बात कही जा रही है, जांच कमेटियों के गठन की बात की जा रही है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अभी जो है बाबा के जो ठिकाने उन पर छापामार कार्रवाई चल रही है, साथ ही जो है उनके जो मुख्य सेवादार हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जिससे ये पता चल सके कि इतने बड़े हादसे के बाद सरकार जो है सजग बनी हुई है और गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लगातार जांच तेज है पूरे मामले में। तो वही आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है, जहां नारायण साकार अभी तक पूरे मामले में फरार नजर आ रहे हैं और अभी तक जांच की आज बाबा तक नहीं पहुंची है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों की एक ही मांग है कि बाबा पर कार्रवाई कब होगी, सभी की निगाहें हैं और साथ ही जिस प्रकार से पूरे मामले में बाबा के वकील भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसके अलावा एक तरफ एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को रिपोर्ट दे चुके हैं, वही परिजनों की एक बार फिर से प्रतिक्रिया आपको सुना देती हूँ। मेरी भाभी का मंजू देवी नाम था, भतीजे का पंकज कुमार,
कितनी उम्र थी आपकी भाभी की और भतीजे की? भाभी की 35-34 समथिंग थी यार, मतलब भतीजा मेरा 6ठी साल में चल रहा था, अकेला बेटा था, चार बेटियों के बाद में। तो बाबा को कब से मानते थे? 5-6 साल हो गई, जब सब मिलता था तभी चले जाते थे। पूरी घटना जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो किसको जिम्मेदार मानती है आप? क्या सबसे बड़ा वहाँ प्रशासन भी नहीं था, अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता वहाँ। और बाबा जब उनके भक्त जब वो वहाँ मरे तो उनने भी नहीं देखा, मेरे भक्त मेरी वजह से मर गए, उनने कुछ नहीं देखा। वो समझा रहे थे, राहुल गांधी से आए थे तो समझा रहे थे कि अपनी मैं सरकार के द्वारा पूरी मदद करूँगा, जो भी है फैमिली को समझा रहे थे। अब चार बेटियां वो कैसे पालेंगे बताओ, बेटा एक भी नहीं है। नहीं, पूछताछ कर रहे थे कि वो 2 लाख रुपए, 2 लाख हो या 4 लाख क्या करेंगे पैसे का, जब मेरी फैमिली बेकार हो गई। तो पेपर लीक की लगातार कई घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में नजर आ रही है। यूपी में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किए गए हैं, ये जल्द ही लागू भी हो जाएंगे और हर भर्ती के यानी कि 2 अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ उनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रश्न में होगी, यानी कि OMR शीट बी ABC नहीं जबकि मल्टीपल सीरीज में होगी। इससे OMR बदले जाने की आशंका नहीं रहेगी। सरकार ने नई गाइडलाइन तैयार कर ली है, अफसरों की जिम्मेदारी भी तय कर ली गई। वहीं पर्चा लीक होने से रोकने के लिए इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा के निर्धारण समेत हर स्तर पर बदलाव की उम्मीद है। पूरी प्रक्रिया के साथ अफसर की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है और हर शिफ्ट के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। नए नियम लागू होने पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और दिशा निर्देश के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा इसका निर्धारण परीक्षा शुरू होने से 5 घंटे पहले किया जाएगा। तो वही परीक्षा पेपर लीक की लगातार कई घटनाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां यूपी में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव जल्द ही अब लागू भी कर दिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लीक मुद्दा, पेपर लीक मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना है, उस बीच बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आरती जी, अगर बात की जाए पेपर लीक की, तो पेपर लीक का मुद्दा जो है लगातार गहराता जा रहा है। अगर बात करें पूरे देश में, तो पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भी लगातार 10 से 12 पेपर परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन पेपर लीक की वजह से बहुत बड़े जो युवा हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो उनकी वजह से सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है पेपर लीक के मुद्दे पर। अब जो पेपर किए जाएंगे, पेपर जो परीक्षाएं की जाएंगी, उसके लिए प्रश्न पत्र जो बनाए जाएंगे, वो 2-2 प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे, उसमें बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसकी जो पेपर लीक का मुद्दा होता है, पेपर लीक होता है, उसको रोकने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। राजेश, जो नई प्रक्रिया लाई जा रही है, विस्तार से समझाइए कि किस प्रकार से इसके आ जाने से पेपर लीक नहीं होगा। देखिए, अगर बात करें पेपर लीक का, तो कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा, जो लगातार पेपर लीक हो रहा है, उसको रोकने के लिए कई सारे बदलाव किए गए हैं सरकार के द्वारा। सरकार ने सारी जिम्मेदारियां जो अधिकारी है उनको दी है, उनकी देखरेख में सारे पेपर बनाए जाएंगे और उसके सभी जितने भी परीक्षाएं होंगी उसके 2-2 प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से वो लीक ना हो। और दूसरी चीज आपको बता दें कि कौन सा पेपर फाइनल होगा, ये भी एक दिन पहले भी नहीं पता चल पाएगा, जिस तरीके से पहले पता चल जाता था कि कौन सा प्रश्न पत्र बनने वाला है। लेकिन अब जो है वो सिर्फ परीक्षा, जिसमें परीक्षा होगी, उससे 5 घंटे पहले फाइनल होगा कि कौन सा पेपर फाइनल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो है पेपर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसकी राजेश
हर शिफ्ट में कितने प्रश्न पत्र को तैयार किया जाएगा नई नीति के तहत? जो भी परीक्षाएं की जाएंगी उसके दो दो प्रश्न पत्र, दो दो सेट तैयार किए जाएंगे, उसमें से कौन सेट फाइनल किया जाएगा ये ऐन वक्त पता चलेगा। जैसे परीक्षा होनी है तो उसके परीक्षा होने के टाइम से 5 घंटे पहले फाइनल किया जाएगा कि कौन सा पेपर होना है। तो जाहिर सी बात है कि उसके दो दो प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, तो दोनों प्रश्न पत्रों के आधार पर उसमें से एक प्रश्न पत्र फाइनल किया जाएगा जिसके आधार पर परीक्षा की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये पेपर लीक का मुद्दा जो है वो नहीं हो पाएगा। पेपर लीक राजेश, जिस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का इसमें नाम आया, तेजस्वी के करीबियों का नाम आया पेपर लीक मुद्दे पे, बेदी राम का नाम आया, क्या लगता है इस नए प्रणाली के बाद इस पूरे मामले में हेर फेर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों का पेपर लीक में नाम आया, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब जिस तरीके से बदलाव किया जा रहा है पेपर इस अब एग्जाम कराने का, सरकार जिस तरीके से कानून लाई है, जिस तरीके से सरकार ने बदलाव किया है, कहीं कहीं देखा जाए तो जो अब बदलाव हुआ है उसको अगर चुके हैं, जिस प्रकार से लगातार इस नई नीति को लेकर चर्चा हम कर रहे थे, तो वही अलग अलग प्रिंटिंग की जाएगी, तो वही इस नई प्रणाली के आ जाने से कितना बदलाव होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वही हर शिफ्ट के लिए, जैसे कि राजेश ने हमारे संवाददाता ने बताया कि दो प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, अफसर की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो वही आपको बता दें कि पेपर लीक की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला योग्य सरकार ने किया है। हमारे साथ यशपाल सिंह शिक्षाविद जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से पेपर लीक मुद्दा लगातार गहमाता हुआ नजर आ रहा था, तो क्या लगता है इस नई प्रणाली आने से क्या कुछ सही होगा? जी, जिस प्रकार से पेपर लीक मुद्दा विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बन चुका था, इस नई शिक्षा प्रणाली आ जाने से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या मेरी आवाज आ रही है? यशपाल जी, सबसे पहले प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से योगी सरकार ने पेपर लीक मुद्दे को जोश से, यानी कि बिल्कुल ही एक्शन मोड में नजर आ रहे इस पूरे मामले में सूबे के मुख्यमंत्री, नए शिक्षा प्रणाली से क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक है, कोई भी चीज जब नए सिरे से लागू होती है तो नया का मतलब तो नया ही होता है। पुरानी व्यवस्थाओं में जो भी लूपहोल्स होते हैं या पुरानी व्यवस्थाओं में जो भी गड़बड़ियां होती हैं या जो कमियां होती हैं, अगर उन पर प्रॉपर विचार करके कोई नई प्रणाली लाई जाती है जी, तो निश्चित बात है कि उसका लाभ तो मिलता ही है जी। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान देने की है, जिस पर मुझे लगता है कि शायद ध्यान दिया जा रहा होगा, कोई भी प्रणाली पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं होती है जी। हमको ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, और उन चीजों को लेकर के हमको पुराने पहले से तैयारियां रखनी पड़ती है जी। अब जाहिर सी बात है, अभी जो मैं जितना सुन पा रहा हूँ कि कई बार क्या हो रहा है कि हम ऑनलाइन कराएंगे एग्जाम, निश्चित है कि जब हम ऑनलाइन कराएंगे पेपर पहले से नहीं जाएगा सेंटर्स पे, वो ऑनलाइन साथ के साथ मिलेगा, तो हमारे पास एक गुंजाइश तो ये होती कि पेपर शुरू होने से पहले उसका आउट होना लगभग रोका जा सकता है, कंफर्म होगा जो नहीं होगा। लेकिन पेपर शुरू होने के बाद 10-15 मिनट के अंदर उसको अगर कोई बाहर लीक कर देता है या कैसे कर, तो उन चीजों पर हमको एक नजर रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूस निगरानी बना के रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक पेपर की बात है, एक सेट बनाया, दो सेट बनाया, तीन सेट बनाया, वो तो हमारे अपने हाथ की चीजें सेट बना सकती है, और पेपर बनाने में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है, और जो सिस्टम है पेपर्स को फुल प्रूफ रखने का या उनको सुरक्षित रखने का, उस सिस्टम में जब तक 12 ही खेत ना खाने लगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती जी। और ऐसी ऐसी उम्मीदें तो नहीं कर सकता मैं शिक्षाविद होने के नाते कि 12 ही खेत सारे लगेगी, अगर एग्जाम कराने वाली अथॉरिटी ही पेपर आउट कर दे तो अलग बात है, अदरवाइज कोई बाहर दखलंदाजी से इस सिस्टम में पेपर आउट हो सके उसके चांसेस निश्चित रूप से कम होंगे। और ये जाहिर की बात है कि परीक्षाओं की शुचिता जो है हमारे लिए सदैव ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, जो लापरवाहियां हुई हैं उनको लेकर के। यशपाल जी, जिस प्रकार से
अभी तक जो पेपर लीक मामला खुलकर सामने आया था, जिसमें ये सामने आई थी कि प्रिंटिंग प्रेस वालों ने ही पूरे पेपर को लीक किया है, तो वही अब दो प्रिंटिंग यानी कि पेपर प्रिंटिंग मशीनों को लेकर जवाबदेही होगी, क्या इसमें अफसरों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। देखिए, ये कह देना कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही हल्की बात है। अगर प्रिंटिंग प्रेस आपका ऐसा नहीं है कि आप उसको सिक्योर कर सके, अगर प्रिंटिंग प्रेस की ही जो उसकी शिक्षा जो है वो सवाल के घेरे में है, तो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को चुनने वाले की जिम्मेदारी भी होगी। आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि आप, और जब प्रिंटिंग प्रेस में आप प्रिंट के लिए देते हैं तो आपका आपके बंदे वहाँ होने चाहिए उसको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कि वो पेपर को प्रिंटिंग प्रेस वाला आउट ना कर सके। उस चीज के लिए प्रोसेस है, वेल डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, जिनको भी हम यूज कर सकते करते आ रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो ये यशपाल जी, ओएमआर सीट और एबीसी जब अब नहीं होंगी, अब मल्टीपल सीरीज में ये होंगी, इस पर कुछ समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये सिस्टम अभी मुझे भी नहीं ठीक से समझ में आया है, तो मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। ये मैं अभी इसको मुझे स्टडी करना है कि ये क्या चीज प्रॉमिस की जा रही है, क्या चीज कही जा रही है। पहले जो होता था कि हम चार सेट बनाते थे पेपर के, ए बी सी डी, और हम एक क्रम से बच्चों को बैठाते थे और उसके हिसाब से हम चार सेट अलग अलग बांटते थे, वो प्रिंटेड फॉर्म में होते थे, तो हमारे पास एक गुंजाइश रहती थी कि हम जो है आगे पीछे के बच्चों को नकल करने से रोक सकते थे। पर अब ये जो सिस्टम कहा जा रहा है, ये क्या सिस्टम है, मैं अभी तक इसको पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर पाया हूँ, तो मैं इस पर कुछ भी कहने से आपको रोक रहा हूँ मैं, क्योंकि जब तक इसको तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पेपर लीक मामले में योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार पूरे मामले में अब योगी सरकार सक्रिय नजर आ रही है। वही एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से भी हमारी शिक्षाविद से बात हुई थी, ओएमआर शीट एबीसी अब नहीं होंगी, जबकि अब मल्टीपल सीरीज होगा, इस पर आप समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आर से अगर बात की जाए परीक्षाओं में, तो जिस तरीके से परीक्षाओं में ओएमआर शीट जो सिंगल होती थी, अब वो मल्टीपल की जाएगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो प्रश्न पत्र छप कर आता था प्रिंटिंग प्रेस से, कहीं किसी एक प्रिंटिंग प्रेस को जिम्मेदारी दे दी जाती थी उस प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रिंट करने के लिए, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब वो जिम्मेदारी भी एक प्रिंटिंग प्रेस के अलावा दो दो प्रिंटिंग प्रेस को दे दी गई है। उसके अलावा आपको बता दें जो जो प्रश्न पत्र छप कर आता था वो दो दो सेट छप कर आएगा, वो सिंगल सेट, पहले सिंगल सेट आता था लेकिन अब दो दो सेट आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब कई तरीके का बदलाव किया गया है। उसके अलावा एक चीज आपको बता दें कि उसके साथ साथ में जो अधिकारी होते थे उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी भी तरीके से अपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी अब उसके अलावा भी अगर कोई इस तरह का नकल माफिया या कोई भी सालवर गैंग का कोई भी अगर पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी खासियत बात जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी सालवर गैंग का या माफिया। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार पेपर लीक मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, तो वहीं परीक्षाओं के लिए अब एक और बदलाव योगी सरकार ने लाया है। वहीं अलग अलग प्रिंटिंग में दो प्रेस होंगी, तो वहीं अब अफसरों की जिम्मेदारी भी बेहद अहम हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता: प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता: 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता: आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297637078134791212078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता: जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता: नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता: बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता: मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता: नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी .com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता: झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता: प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता: सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। उत्करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर